गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 का जो आप देख रहे हैं कंटिन्यू, चार पांच क्लासेस हुए हैं, उसमें जो चैप्टर चल रहा है आपका फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, उस फिजिकल फ्यूचर में इसके पहले की जो क्लासेज हुए हैं उसमें देखिए मैंने आपको पढ़ाया था हिमालय, द हिमालय, उसमें सेकेंड था नॉर्दर्न प्लेन और थर्ड मैंने पढ़ाया था पेनिनसुलर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ाया था। तो तीन इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया मैंने आपको पढ़ाना है। इसी तरह आज जो मैं आपको डील करने जा रहा हूं वह आपका है द इंडियन डेजर्ट और सेकेंड होगा आपका द कोस्टल प्लेन। तो आते हैं इंडियन डेजर्ट और इसमें मैं थोड़ा सा ये कहूंगा राजकुमार नाइक का जो है जो तुम हो तुम्हारा कमेंट आ रहा है इसमें सेक्शन में आता है, ये अच्छा रहता है कि तुम इसको इंटरेस्टिंगली वॉच करते हो, देखते हो, तुम इसको क्लियरली देखा करो मैप को और अपने सामने बुक रखकर तो फिर इसको देखा करो। ठीक है, मैंने मैप बनाया इसमें है और मैप से मैं डील करना चाह रहा हूं। तो इंडियन डेजर्ट नेक्स्ट जो आपका फिजिकल फीचर है वो इंडियन डेजर्ट है। ये वेस्टर्न ऑफ द वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज, यहाँ पे अरावली मैं पर ध्यान दूंगा, यहाँ पे अरावली रेंज माउंटेन अरावली रेंज होगा, ध्यान देंगे तो अरावली रेंज से वेस्ट में है ये इंडियन डेजर्ट, जिसे आप देखेंगे मैप में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लिखा हुआ होगा जो अरावली के वेस्ट में है। टोटली सैंडी ड्यून्स है और सैंडी प्लेन है ये और ऑलमोस्ट सैंडी ड्यून्स एंड सैंडी प्लेन्स है ये और पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है। इसमें जो आने वाले कुछ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स है वो आपको है श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सभी जो है ना सैंडी एरिया है जो इसमें इंडियन डेजर्ट में आते हैं। इंडियन डेजर्ट में रेनफॉल बहुत लेस रेनफॉल होता है, लेस रेनफॉल होता है। एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 150 मिलीमीटर होता है, एनुअल रेनफॉल ध्यान नहीं है 150 मिलीमीटर होता है, जो बहुत कम रेनफॉल है और जिसके कारण ही यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है ड्यू टू लैक ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, पानी की कमी के कारण क्लाइमेट ड्राई होता है और सेम टाइम वेजिटेशन भी लो है, बहुत कम वेजिटेशन पाए जाते हैं। वेजिटेशन का फॉर्म में अगर आप कहें तो थॉर्नी प्लांट्स पाए जाते हैं, कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, कैक्टस है, बबूल है, ये सब पाए जाते हैं। लेस अमाउंट में भी लेस अमाउंट में होता है, उसका कारण क्या है, रेनफॉल का कम होना और हॉट क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट के कारण वेजिटेशन ज्यादा अवेलेबल होते हैं। इस एरिया में एक रिवर है लूनी रिवर, ड्यूरिंग द रेनी सीजन ये आते हैं नजर आते हैं लेकिन रेनी सीजन खत्म होते ही ये आपस में वहां पे डिस्पर्स हो जाते हैं, एक प्रकार से गायब हो जाते हैं। रेनी सीजन में कुछ दिनों के लिए वो नजर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। इंडियन डेजर्ट में कुछ क्रिसेंट सेप्ट ड्यून्स बनते हैं। देखिए क्रिसेंट सेप्ट क्या होता है, अर्ध चांद जिसे करते हैं आप, उस तरह का ये बनता है, डिजाइन बनता है, सेप बनता है उसे बरखान के नाम से जाना जाता है। ये होता है जब विंड का मूवमेंट होता है और रास्ते में कहीं भी अगर उसको एक ऑब्स्टेकल मिल जाता है, छोटा सा हर्ब्स एंड शर्ब्स मिल गया, प्लांट मिल गया, तो सैंड वहां रुकना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे रुकते रुकते एक क्रिसेंट सेप में एक लैंड फॉर्म बन जाता है, उसे क्या नाम दिया गया, बरखान नाम दिया गया। ये मोस्टली इंडियन डेजर्ट में पाकिस्तान के बॉर्डर साइड से बनता है। तो ये आपका हुआ इंडियन डेजर्ट, ये देखिए कहां पे है, फिर से बता दो आपको अरावली रेंज, मैप पर फिर से देखेंगे अरावली रेंज के वेस्ट में टोटली सैंडी ड्यून्स होता है, रेनफॉल यहाँ पे 150 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये आपका इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट आपका है कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन में आप देख रहे इसके पहले मैंने बताया था ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो मैंने आपको जब सेंट्रल प्लेटू के बारे में पढ़ाया था आपको
पहले उसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ाया था, उससे भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का। आज फिर मैं बताने जा रहा हूं कोस्टल प्लेन में ये आते हैं ईस्टर्न पार्ट में। आप देखिए वेस्टर्न पार्ट में देखें, वेस्टर्न पार्ट में जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच जो एरिया है वह कोस्टल प्लेन के रूप में जाना जाता है। इसको तीन पार्ट में बांटा गया, वेस्टर्न प्लेन को तीन पार्ट में बांटा गया है। यह किस पार्ट में है? अरेबियन सी के साइड में है। पहला है कोंकण प्लेन जो मुंबई और गोवा के बीच में, उसका नाम दिया गया कोंकण। फिर एक मिडिल में है, उसका नाम दिया गया कन्नड़। और सबसे लास्ट में केरला के पास का जो पार्ट है वेस्टर्न प्लेन में, उसका नाम दिया गया मालाबार कोस्ट। फिर से ध्यान दें, जो वेस्टर्न प्लेन हमारा है, हमने बताया कोस्टल प्लेन को दो पार्ट में बांटा गया, वेस्टर्न प्लेन एंड ईस्टर्न प्लेन। तो वेस्टर्न प्लेन में आपको तीन पार्ट में बांटा गया, पहला कोंकण प्लेन जो मुंबई और गोवा के बीच में, मैप पर भी ध्यान देंगे, और दूसरा जो मिडिल पार्ट है वो कन्नड़ प्लेन के रूप में जाना गया, और तीसरा जो है मालाबार का प्लेन है जो केरला तक का फैला हुआ है। सेकेंड जो मैंने बताया आपको ईस्टर्न प्लेन वह बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में है, ईस्ट बाउंड्री ऑफ द इंडिया जो वेस्ट बंगाल के कोस्ट में है। और यहां पे ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो पार्ट है इसमें है, ये दो पार्ट में बांटे गए हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको नॉर्दर्न सिल्कोर के नाम से जाना गया, उसका नाम दिया गया। और जो उसके नीचे का जो सेकेंड पार्ट है जो लास्ट तमिलनाडु के पार्ट में पड़ता है उसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर ध्यान दें कोरोमंडल कोस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ईस्टर्न कोस्ट को दो पार्ट में बांटा गया, नॉर्दर्न सिल्कोर एंड द कोरोमंडल कोस्ट, और वेस्टर्न पार्ट को तीन पार्ट में, ध्यान देंगे कोंकण कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट। ये हमारा कोस्टल प्लेन में आता है। कोस्टल प्लेन में बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में एक इंपॉर्टेंट झील भी है जो चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न प्लेन जो हमारा है, ईस्टर्न प्लेन में कई सारे डेल्टास बनते हैं, डेल्टास महानदी डेल्टा, गोदावरी रिवर का, कृष्णा रिवर का और कावेरी का। आप डेल्टा के बारे में अच्छे से जानते हैं, जब रिवर अपने माउथ उसे कहते हैं, जब रिवर ओशन में मिलती है वहां पर इसके डिफरेंट ब्रांचेस पे फूट जाते हैं, और वहां पे एक्युमुलेशन ऑफ सैंड एंड द सिल्ट कैरीड बाय द रिवर, जो नदियां लास्ट अपने कोर्स के लास्ट पार्ट में जो उसके द्वारा बहाकर लाए गए सैंड और सिल्ट और सॉइल को एक्युमुलेट कर देता है, जमा कर देता है, तो डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो वो ये बनाए जाते हैं महानदी के द्वारा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के द्वारा इसको बनाया जाता है बे ऑफ बंगाल के पार्ट। तो ये आपका था द इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट दो फीचर, फिजिकल फीचर जो आपका है उसमें है आइसलैंड्स, आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। उसमें दो आइसलैंड ग्रुप है, एक लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप और दूसरा अंडमान निकोबार आइसलैंड ग्रुप। लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप वो आपको अरेबियन सी में है, यहाँ पे देखते हैं अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप है। ये स्पॉट कोरल आइसलैंड ग्रुप में जाता है, कोरल आइसलैंड इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि माइक्रो ग्रीन, स्मॉलेस्ट माइक्रो ग्रीन कह सकते हैं, माइक्रो ग्रीन के वेस्ट से ये बना हुआ आइसलैंड है कोरल आइसलैंड। इसका अर्लियर पहले इसका तीन नाम लेकेडीप, मीनापोई एंड एमिंडी, बट 1973 में इसके नाम को कन्वर्ट करके लक्षद्वीप रख दिया गया। इसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है कावारती, और यहाँ पे एक पिट्टी आइलैंड है, स्मॉल आइलैंड है जो अनहैबिटेड है, ह्यूमन बींग वहां नहीं है, वहां एक बर्ड सेंचुरी है।
और आपको बता दें लक्षद्वीप फुल ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, डायवर्सिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फौना से भरा हुआ है लक्षद्वीप। नेक्स्ट जो आपका आइलैंड ग्रुप है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है। कहा जाता है ये एलिवेटेड पावर पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन है, समुद्र के नीचे जो माउंटेन था उसका ये एलिवेटेड पार्ट है, ऊपर उठा हुआ पार्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड। स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग द डिफेंस ऑफ द कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका यहाँ का क्लाइमेट इक्विटोरियल क्लाइमेट है, आप यू कह सकते हैं कि ये इक्वेटर के बहुत क्लोज होने के कारण यहाँ का क्लाइमेट इक्वेटोरियल है। इसके कारण यहाँ पे जो वेजिटेशन है जो फ्लोरा फौना में ग्रेट डायवर्सिटी है यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में। और ये बे ऑफ बंगाल में आप मैप पे देखेंगे ये बे ऑफ बंगाल में और दोनों आइसलैंड में ग्रेट वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन दोनों जगह पे अवेलेबल है और फ्लोरा एंड फौना में डायवर्सिटी बहुत है यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स माइक्रोलॉजीज एनिमल्स बर्ड्स ये सब पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया लक्षद्वीप का आपको एक बर्ड सेंचुरी है। तो हमारा ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया आज इनकम है। आपसे यह है कि आप इस पर कॉमेंट करें, क्वेश्चन डालें, अगर समझ में जो नहीं आ रही है फिर उसको रिपीट करें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। थैंक यू। हाँ हो गया।